है का पानी का पानी, टूट का टूट है का पानी का पानी, टूट का टूट है का पानी का पानी। विटामिन डी की कमी की वजह से विटामिन एल लग चुके। प्रोटीन शेक में पानी में मिलाऊं के डूड में, वॉक करूं के रनिंग, और करूं कहां ट्रेडमिल पे के आंटी पार्क में, बल्कि ऐसा करता हूं मैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स ट्रेनिंग कर लेता हूं, बल्कि बॉडी बिल्डिंग करता हूं ना, नहीं नहीं सुना है आजकल एरोबिक्स का सीन है, बल्कि क्रॉसफिट का ज्यादा सीन है, yes! है ना। खाने का क्या करूं, ऐसा करता हूं मैं सब्जियां उबालना शुरू करता हूं और मजीद प्रोटीन उबाल के दबा दब, या फिर फैट बर्नर को मिलाऊं पानी में और घटाघट, बल्कि ऐसा करता हूं कि गलत ट्रेनर की रिकमेंडेड स्टीरॉइड्स खाकर ये हो गया डूट का डूट और पानी का पानी। ना तो ये गयान है ना ही कोई दुकान है, ये मेरे एक्सपीरियंसेस का बयान है जिस पर आपका इस वक्त ध्यान है। फिटनेस क्या है, फिजिकल होती है कि मेंटल होती है, या दोनों होते हैं, या आपस में ये कनेक्टेड होते हैं? ओ माइंड मसल कनेक्शन है ना। तो शुरू कहां से करें, अंडे से कि मुर्गी से? चलो लंबाई कट करते हैं, सीधी बात तो ये है और वो ये है कि आज ही मुझे इसी वक्त इंस्टा परफेक्ट बीच बॉडी चाहिए ताकि मैं वेकेशन पे जाऊं और शर्टलेस घूम के तस्वीरें खिंचवाऊं और इंस्टा पर आकर सेक्स फैला दूं, राइट? यही मसला है। लेकिन देखिए बात ये है मेरे जेन जी और अल्फा के प्यारे बाशिंदों, हमारे पप्पा जान बता रहे थे कि उनके अब्बा और उनके अब्बा के अब्बा का अब्बा का डब्बा, सबका डब्बा जो है वो हार्ट अटैक से हुआ था। इट रन्स इन द फैमिली, बट आई स्ट्रॉन्गली बिलीव विच रन्स इन द फैमिली इज बैड फूड चॉइसेस, यानी कि पिछले 100 साल से एक ही खाना खा रहा है पूरा खानदान, और पहले उस खाने को चूल्हे पे किया जाता है तबा, उसके बाद खाया जाता है। कैसा दिया, अल्लाह जन्नत नसीब करे। डीएनए तो बहुत बाद में आता है बेचारा। खाते और पीते रहे गर यूं हम चीनी, दारू इलाज अस्पताल और फिर दवा पे दवा पड़ेगी पीनी। लेट्स स्टार्ट योर डे, हमारी जिंदगी के 5 आलू हैं। हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स, स्पिरिट यानी कि रूह और वर्क। तो सबसे पहले अगर हेल्थ आ रही है तो इसका मतलब हुआ दो तरह की हेल्थ, मेंटल और फिजिकल और इमोशनल। और अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो उस पर तो हम अच्छी खासी बात कर चुके हैं, अगर आपने मिस कर दी तो इधर क्लिक करने का है, नहीं तो आज हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस, फिजिकल ट्रेनिंग की, पीटी की। असल में हमारी बॉडी का एक पार्ट है, हमें उसकी बॉडी बनानी है पहले, अगर हमने उसकी बॉडी बना ली ना तो समझो अंत कर दिया। खवातीन और हजरात, ऑक्सीजन मास्क पहले खुद इस्तेमाल कीजिए, फिर किसी की मदद कीजिए। तो अपने दिन का आगाज करते हैं हम एक्सरसाइज से। बेस्ट तो ये होगा कि नाश्ता फोड़ने के बजाय कुछ फ्रूट फोड़ लिया जाए, बल्कि उससे भी बेस्ट ये होगा कि पिछली मील से यानी कि अपनी लास्ट मील से अगले 14 घंटे तक कुछ ना खाया जाए, और अगर आपके लोहे के हैं तो तकरीबन 16 घंटे के बाद कुछ खाया जाए, यानी कि कंप्लीट फोकस उठने के बाद एक्सरसाइज होनी चाहिए। आसान तरीका यह कि पानी पियो, जिम के कपड़े पहनो, एक्सरसाइज हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सरसाइज कौन सी की जाए, कोई सी भी कर लें, बस एक्सरसाइज कर लें आप, लेकिन एक एक्सट्रीमली ट्राइड एंड टेस्टेड सर्टिफाइड ट्रेनर के साथ। अगर फोकस आपका शॉर्ट टर्म है तो बहुत ही बेकार बात कर दी आपने, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और वक्त गुजरता जा रहा है। आज या कल में बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा बोलने वाला है, ये वो हिस्सा होगा जिसको आपने या तो ज्यादा हिला लिया या बिल्कुल ही फारिग पड़ा हुआ है। लिहाजा तैयारी आज से, कंसिस्टेंसी इज द की। हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, असल में हमें उस पर काम करना है, अगर हमने उसकी बॉडी बना ली ना तो समझो अंत है। मुझे पता है अभी नहीं बताऊंगा। अगर हम क्विक रिजल्ट्स के पीछे भागेंगे तो बहुत बड़ा भंड करेंगे, क्विक रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागना है। सबसे बढ़कर ये हमें ट्रेनर के साथ वर्कआउट करना है। कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक हमारा ईटिंग पैटर्न नहीं बदले। जो हम खा रहे हैं, जिसे हम हेल्दी समझ रहे हैं, क्या वो वाकई हेल्दी है, ये तो कोई न्यूट्रिशनिस्ट बताएगा या फिर आपकी बॉडी। तो बेहतर यह है कि बॉडी के जवाब देने से पहले किसी इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता किया जाए और उससे एडवाइस लें, या फिर कोई ऐसी ढंग की वेबसाइट ढूंढ लें जिस पे लोगों के मैक्सिमम रिव्यूज हों और मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस जहां शेयर किए गए हों, बस वहां से इस्तेफादा हासिल कीजिए। जानना यह है कि हमारी बॉडी टाइप क्या है, फैट टू मसल रेशो क्या है, और सबसे बढ़कर यह कि क्या हमारी माइंड चेंज के लिए तैयार है। अगर हमारी माइंड चेंज के लिए तैयार नहीं होगी तो कुछ नहीं होने का। भाई मेरे, कंफर्टेबल रहोगे तो पौ का कोई चेंज नहीं आएगा। असल गेम है डिस्कम्फर्ट में कंफर्ट ढूंढ के आदत बनाने का। एक्सरसाइज करें, डाइट प्लान फॉलो करें, स्लीप में रिकवर करें, और अगले दिन यही तीनों चीजें रिपीट कर लें। Okay. As soon as you're eating healthy, you'll feel less sluggish और बहुत active, mood अच्छा रहेगा, mind fresh हो जाएगा, बेहतर से बेहतर performance in your work is guaranteed। क्योंकि ये तो common वाले sense की बात है कि नहीं, but
कंसिस्टेंसी इज द की। अरे मोहित मिर्जा, क्या बकवास बातें कर रहे हैं आप? आपको अंदाजा भी है ये सब कुछ करने में खर्चा कितना होगा? ये चीज मेरे अजीज सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर्स। तो प्यारे भाइयों, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस यानी कि अपने जिस्म के वजन वाली एक्सरसाइजेस की यूट्यूब पे उल्टियां हो रही हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जो ये बहाने बट्टे कर रहे हैं, असल में मैं इस तरह कहता हूँ कि बहाने बट्टे स्ट्रेच करो पट्टे। अब यार स्ट्रेचिंग करने में कौन सा खर्चा हो रहा है? पुशअप्स, पुलअप्स, चिनअप्स, ये सब मुफ्त है। यानी कहने का मकसद ये है कि मुफ्ते की लाइनें लगी हुई है, करने वाले के पानी पे डिपेंड करता है ना। स्कूल पीला हो या नीला, पढ़ता तो वही है जैसे पढ़ना होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू एंड यू ओनली। लेकिन कसम से हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, अगर उसकी बॉडी बना ली ना तो अंत हो जाएगा। अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा और वेट करना। चले मोहित साहब, मैंने एक्सरसाइज तो कर ली, अब आप ये बताएं कि ये जो प्रोटीन शेक के जिन्नात के साइज के डब्बे हैं और ये जो हजारों रुपए के सप्लीमेंट्स हैं, ये खर्चा आपका फुप्पा उठाएगा ऑलिव ऑयल के शशके? राइट, लुक, नथिंग इज फॉर फ्री इन लाइफ। कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा, बट यू कैन ऑलवेज फाइंड इजी सस्ते अल्टरनेटिव्स। बस बात वही विलिंगनेस की है। सब्जी का सालन बनाकर वाट लगा दें या हल्का सा सॉटे कर लें आप। अब सॉटे के बारे में आप थोड़ा सा गूगल कर लें, या ऐसा भी हो सकता है कि आप सब्जियों को कच्चा ही उछाल दें। कोशिश करें ये जो वेजिटेबल सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल टाइप्स हैं, इनके बारे में अपनी रिसर्च अच्छे से कर लें, क्योंकि आखिर में अस्पताल के खर्चे से बेहतर है कि अपना ध्यान खालिस नफीस देसी चीजों की तरफ कर लिया जाए। बॉडी बनेगी लेग्स के वर्कआउट से, क्योंकि लेग्स के वर्कआउट से बनता है टेस्टोस्टेरोन। कुछ पता हो ना पता हो, हम सबको टेस्टोस्टेरोन का बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सॉलिड होगा तो पोलो वगैरह के मामले भी सॉलिड रहेंगे। लेकिन डोंट फॉरगेट योर रिकमेंडेड सप्लीमेंट्स, लेकिन कंसल्टेशन के बाद प्लीज, या फिर अच्छे बेहतरीन नफीस देसी अल्टरनेटिव्स। प्रोस्टेट एक ऐसा मसला है जो कि एक एज में जाके अच्छे खासे मर्दों को काफी सीरियस प्रॉब्लम दे सकता है। देयर इज नो हार्म इन गेटिंग योर सालाना टेस्ट डन ऑन योर बर्थडे। अरे कैसा जबरदस्त खूबसूरत आपको मैंने बर्थडे गिफ्ट दिया, लेकिन जरूरी है। चले फुप्पा जान के मशवरों वाली बात भी कर लेते हैं। वो बता रहे थे कि महीने में अगर 21 दफा सेक्स करो तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सवाल ये है कि आपके साथ 21 दफा सेक्स करेगा कौन? जमीन पे नंगे पांव या घास में नंगे पांव चलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी ये वाईफाई टाइप्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से चार्ज हो जाती है और उसको अर्थ करना बड़ा जरूरी है। धूप में निकलना जरूरी है, वॉक करना जरूरी है, और पानी प्रॉपर पीना तो बहुत ही जरूरी है। मकसद यह है कि बोन्स और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी रहे, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी रहे, ओबेसिटी से आप दूर रहें, एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करती है और आपके एंगर को भी मैनेज करती है। लेकिन हमारे जिस्म का एक पार्ट ऐसा जिसकी बॉडी अगर हम बनाएंगे ना तो अंत हो जाएगी। जी जी मुझे पता है, मैंने 10 दफा ये बात कर दी, और वो पार्ट है माइंड। अगर आपने अपने माइंड की बॉडी बना ली तो समझो आपने अपनी बॉडी बना ली। हेल्थ, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, पलंग पोलो सब बना लिया। माइंड बॉडी कनेक्शन, हल्का नहीं लेना इस बात को। काम से बढ़कर भी कई काम है। ये आज की फोटो का सवाल नहीं बॉय, ये गेम है सारी जिंदगी का, जो अभी करना है और सही करना है, क्योंकि आपकी हेल्थ एक कांच की बॉल की तरह है, जो हाथ से गिर गई तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इसमें आपका ही फायदा है बिना सलाह जीत के। क्यों निकला कुछ पानी डूड? अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं जिसपे आप समझते हैं कि बहुत टॉप आइडियाज हैं और इस पे बात होनी चाहिए जानी, तो फौरन कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए। जानी दूंगा डूड, आज बोल दूंगा डूड, उल्टी कर दूंगा डूड, फाड़ फोड़ दूंगा जानी। रोजर का डूड हैगा पानी का पानी, डूड का डूड हैगा पानी का पानी। आपकी जात का दलिया हमारी अवलीन तरजीह है, मेटल का चपटा हिस्सा चढ़ा के पेटी कसलो भैंड।